दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 2 दिन के बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया। सीएम के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद हर तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। इसी बीच कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आप में सिर्फ केजरीवाल है, बाकी नौकर। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने ये कहा कि दिल्ली का जो नुकसान केजरीवाल ने कर दिया वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं हो सकता। संदीप दीक्षित ये कहा कि सामान्य रूप से जब सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बड़े नेता कौन है पार्टी में, उनका लोगों में कैसा प्रभाव है, बोर्ड पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार को कैसे चलाएंगे। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आगे ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल हैं और माफ कीजिए बाकी सब घर के नौकर, नौकर के अलावा किसी की कोई भी जगह नहीं है, तो इन्हें अपने नौकरों में से चुनना है कि अब ऐसा कौन सा व्यक्ति आएगा जो फाइल दबा कर रखे, सूचना बाहर न जाने दे, जो कमाई चल रही है उसको चलने दे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं बल्कि ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर का हस्तांतरण है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी एक बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि देखिए इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा, आपको उस मुख्यमंत्री को कोर्ट ने जबरदस्ती कुर्सी से हटाया हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो सीएम का इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं पार्टी का तू दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता ताकि प्रदेश चलता रहता। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ये दिखता है कि उनकी अपनी ईगो बड़ी है, दिल्ली की समस्या, दिल्ली की जनता उनके लिए बड़ी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो नुकसान कर दिया है वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री के पद से सस्पेंड है, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते, तो फिर कैसे मुख्यमंत्री। अब जब कोर्ट ने इन्हें हटा दिया है तो ये नाटक कर रहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। फर्जीवाड़े का अगर कोई भी सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है तो उसका नाम केजरीवाल है। मैंने इतना सिनेमा किया लेकिन उनसे बड़ा कोई भी एक्टर नहीं हो सकता, जिस तरह से ये अचानक से पलटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।